Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture of network analysis, I am going to talk about graph theory part 2. Already in the previous lecture I had discussed graph theory part 1. The initial part I had discussed in part 1. Now here we will discuss what is a cut set matrix, tie set B matrix, etc. So here, cut set of a graph. What is a cut set of a graph? A cut set is a set of minimum branches whose removal causes a connected graph to be separated into two parts. Suppose I have given this graph. Okay, this is the graph I have given. अगर हम ये दो ब्रांच को निकाल दें तो ये जो नोड्स है ए बी सी डी इट विल बी सेपरेट इनटू टू पार्ट्स. बी सी डी एक साइड आ जाएगा और ए एक साइड आ जाएगा. सो व्हाट इज ए कट सेट? इज ए सेट ऑफ टू ब्रांचेस आई हैव रिमूव्ड, वन एंड फाइव. सो फॉर दिस सेट कट सेट इज वन एंड फाइव. मान लो हम इसको निकाल दें 2, 3 को, तो बचेगा क्या? ए बी डी बचेगा ना, ए बी डी. ए बी डी के लिए क्या है? सी गायब हो गया. सी गायब हो गया मतलब कौन कौन सी दो ब्रांच हमने निकाल दी? 2 and 3. सो कट सेट इज ए 2 and 3. सो व्हाट इज ए कट सेट ऑफ ए ग्राफ? इट इज ए कट सेट इज ए सेट ऑफ मिनिमम ब्रांचेस वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द कनेक्टेड ग्राफ टू बी सेपरेटेड इंटू टू पार्ट. मतलब अगर इस ग्राफ को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हमको ये कम से कम दो ब्रांच निकालना पड़ेगी. सो एक साइड बी सी डी आ जाएगा नोड और एक बचेगा ए, दो पार्ट में डिवाइड हो गया. सो इसके लिए कट सेट क्या है? 1 and 5. इसके लिए कट सेट क्या है? 2 and 3. एक और है, अगर हमने ये निकाल दें, ऐसा दिखा नहीं रहा, तो बचेगा क्या? ए बी सी, ऐसा बचेगा ना. इसके लिए कट सेट क्या है? इसके लिए वी हैव रिमूव 3 branches. 3 cut set is 3, 4, 5, like that. 3, 4, 5 को. सो हमको क्या करना है? व्हाट इज ए कट सेट? इट इज ए मिनी सेट ऑफ मिनिमम ब्रांचेस हुज रिमूवल कॉजेज ए कनेक्टेड ग्राफ टू बी सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स. ओके, ओके, सॉरी. फंडामेंटल कट सेट ऑफ ए ग्राफ, एफ कट सेट. फंडामेंटल कट सेट आर एफ कट सेट. फंडामेंटल कट सेट, एफ कट सेट आर फंडामेंटल कट सेट. अगर आपको ये निकालना है, एफ कट सेट करना है, सो टू फाइंड द फंडामेंटल कट सेट ऑफ ए ग्राफ आर एफ कट सेट, फर्स्ट फाइंड आउट द ट्री. First we will find the tree, we will allocate the tree, okay? Then removal of any branch separate the tree into two parts, and therefore each branch of a tree is called as cut set of a tree. How to find the matrix? Fundamental cut set matrix, F cut set matrix. Isko bolenge F cut set matrix. कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सिलेक्ट द ट्री करना है पहले आपको, एंड दिस विल बी गिवन. सिलेक्ट द ट्री या ट्री विल बी गिवन, दिस विल बी द ट्री. देन केसीएल अप्लाई करना है, क्लियर? और रेफरेंस किसको लेना है? ट्री को रेफरेंस ट्री को लेना है. और ओनली वन ब्रांच ऑफ ट्री, That is the concept. KCL apply करना है, एक tree select करना है और एक बार में एक tree और tree की branch को reference लेना है. That is tree की branch को positive लेना है. KCL apply करना है. KCL कहाँ apply करते हैं? At node. So that is the cut set matrix. Be careful about it. Cut set matrix क्या है? Tree की एक branch और KCL. That is the thing you have to keep in your mind. Okay, so I'm going to discuss what is a F cut set matrix. Okay, theek. Next, this is the problem I have given. So
in this problem, they are asking write F cut set matrix. Clear? Select tree 1, 5, 4. ऐसा दिया रहेगा 154 इज ए ट्री. सो 154 इज ए ट्री, डार्क लाइन 154 ट्री. और ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, को ट्री. देखो ऑल नोड्स आर प्रेजेंट, सबके सब नोड प्रेजेंट है ना. ओके, बट इट इज नॉट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, इट इज ए कनेक्टेड. ऑल नोड्स आर प्रेजेंट, इट इज कनेक्टेड बट सर्किट लेस. ओके, सो 145 ट्री है और बाकी के आप डॉटेड लाइन बना लो, 8 को ट्री है या कॉर्ड्स हैं, राइट. सो हियर यू हैव टू राइट कट सेट मैट्रिक्स. एफ कट सेट मैट्रिक्स मतलब क्या लिखना है, केसीएल, पहला केसीएल, दूसरा ट्री एज रेफरेंस और वन ट्री, वन ब्रांच ऑफ ट्री लेना है, याद रखना वन ब्रांच ऑफ ट्री. सो हियर दिस पार्ट KCL लिखेंगे तो नोड पे लिखते हैं ना, तो 1, 2, 6 कितने ट्री आ रहे हैं, 1. सो I1, I2, I6 इक्वल टू 0. बट ये क्या है, ट्री को रेफरेंस लेना है ना, ट्री को रेफरेंस लेना, तो ये आउटगोइंग पॉजिटिव है. सो 2 भी आउटगोइंग है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, बट 6 क्या है, एट दिस नोड इनकमिंग है, सो ये निगेटिव आएगा, माइनस I6 इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ यू कांट टेक दिस, क्यों, अगर आपने इसको बाहर लिया तो दो ट्री आ जाएंगे, नहीं चलेगा. ये ले सकते हैं, यस दिस, यस ले सकते हैं. एक ट्री है 2, 3, 4 I2, I3, I4. देखो I2, I3, I4 किसको रेफरेंस लेना है, ट्री को, ट्री की ब्रांच को, क्या आउटगोइंग पॉजिटिव. 2 और 3 क्या है, इनकमिंग है तो निगेटिव आएंगे. सो 2 और 3 I2 और I3 निगेटिव, I4 पॉजिटिव. क्लियर. अब बचा ये 5 को आउट करने के लिए हमको यहां से एक लाइन लेना पड़ेगी. सो I5, क्लियर, I5, I2, I3 और I6 तीनों आएंगे, 2, 3, 5, 6 2, 3, 2, 3, 5, 6 5 को पॉजिटिव लेना है. सो 2 भी सेम डायरेक्शन में है ना, देखो करंट आएगा I2 I4 के थ्रू ऐसे आएगा, तो सेम डायरेक्शन में कि नहीं, यस सेम डायरेक्शन में. तो 2 और 5 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव. व्हाट अबाउट हियर, दिस इज ऐसा जा रहा है यहां, और I6 कैसे जा रहा है, अपोजिट. सो क्या आएगा, I6, ये भी आउटगोइंग है ना, देखो दिस इज पॉजिटिव, सॉरी आउटगोइंग है, दिस इज आल्सो आउटगोइंग, सो इट इज पॉजिटिव. I6 इज आल्सो पॉजिटिव. बट अबाउट I3, वेयर इज I3, यस दिस इज I3. ये I3 क्या है, नेगेटिव, क्यों, इट इज सेम इनकमिंग है, सो I3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव. ओके, I2 नेगेटिव क्या है, ये क्या है, एट दिस नोड इट इज पॉजिटिव आउटगोइंग, I6 outgoing, but I2 क्या है, incoming. So I2 incoming, I3 incoming. So this I2 and I3 both are negative. Okay, so this is now मैंने अभी लिखा है 154. So वो ही लिख दिया है 154. So 1, 2 positive, 1 positive and 6 negative. यही लिखा है, ये I1, I2, I3. So this is the F cut set matrix. Be careful whenever you are writing F cut set matrix. First, we have to select the tree and tree will be given. Second, tree को reference लेना है और KCL लिखना है और एक बार में एक tree की branch आने चाहिए. Clear? That is the F cut set matrix. I am rubbing it. We'll take some problem also later on. Okay. नेक्स्ट फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं टाई सेट बी मैट्रिक्स. टाई सेट बी मैट्रिक्स आर फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स. एफ सर्किट
एफ सर्किट, आ टाई सेट, क्लियर। और उसको पहले वाले को क्या था, फंडामेंटल कट सेट था वो, ओके। सो यहां याद रखना आपको केवीएल लिखना है, रेफरेंस किसको लेना, कॉर्ड को, ट्री दिया रहेगा, ट्री से ट्विग्स मिल जाएंगे एंड कॉर्ड मिल जाएगा। सो रेफरेंस किसको लेना, कॉर्ड को, और कॉर्ड को रेफरेंस लोगे तो एक बार में एक कॉर्ड आएगा, वन कॉर्ड आएगा, केवीएल लिखना है और रेफरेंस किसको लेना है, कॉर्ड को, बी केयरफुल, दिस थिंग्स यू हैव टू माइंड, ओके। टाई सेट बी मैट्रिक्स, केवीएल लिखना है फर्स्ट, एक कॉर्ड लेना है और रेफरेंस कॉर्ड रहेगा, ओके। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव गिवन, सो सिलेक्ट द ट्री, ट्री विल बी गिवन, राइट। ट्री मान लो हमने ले लिया 1 5 4, दिस इज द ट्री, डार्क लाइन और बाकी के डॉटेड लाइन इज ए को ट्री। नाउ क्या लिखना है आपको, केवीएल, केवीएल कैसे आएगा, ये 2 1 4 5 2, एक बार में एक कॉर्ड, 1 4 5 2, ओके। सो क्या इसका इक्वेशन क्या आएगा, v2 पॉजिटिव, आई टोल्ड यू ऑलरेडी कॉर्ड को लेना है रेफरेंस, v2 पॉजिटिव, v4 भी पॉजिटिव आएगा, क्यों, सेम डायरेक्शन में है, v5 इज आल्सो पॉजिटिव, बट v1 इज नेगेटिव, क्यों, अपोजिट है इसका, सो ओके। सेकंड ये बन सकता ना, ये 3 4 5, v3 v4 v5 इक्वल टू 0, v3 को पॉजिटिव लेना है, क्यों, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको, v3 को पॉजिटिव, बिकॉज वी हैव टू टेक कॉर्ड एज ए रेफरेंस, सो v3 और v4 सेम डायरेक्शन में, v5 भी सेम डायरेक्शन में, तो प्लस प्लस इक्वल टू 0, बचा कौन सा कार्ड, ये v3 हो गया, v2 हो गया, v6 वाला, v6 के साथ कौन सा लूप बन रहा है, ये सॉरी v6 के साथ कौन सा बन रहा है, ये 1 5 6, v1 v5 v6 इक्वल टू 0, देखो ऐसा लूप बन रहा है, केवीएल, v1 v6 पॉजिटिव लेना है, v1 इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, v1 पॉजिटिव आएगा, बट v5 अपोजिट, सो माइनस v5 इक्वल टू 0, क्लियर ना। सो दिस इज द मैट्रिक्स वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज टाई सेट वी मैट्रिक्स। सो इसी को आपको लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, रब कर दू ये। सो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, यू कैन राइट इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म लाइक दिस, ये 3 रो आएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ आएगा v1 v2 v3 डैश 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 v6 और इक्वल टू 0, बोलो -1 1 0 1 1 0, 1 2 4 5 है, 1 2 4 5, आउट ऑफ दैट 1 इज माइनस, लाइक दिस। सेकंड में क्या है, 3 4 5, 0 0 1 1 1 0, 3 4 5, 3 4 5 ऑल आर इज पॉजिटिव, लास्ट वन क्या है, v1 5 6, 1 5 6, उसमें से 5 नेगेटिव है, लाइक दैट। सो इन दिस वे यू विल गेट द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स कॉल्ड एज टाई सेट वी मैट्रिक्स, दिस वन यहां से, ओके। सो आई एम रबिंग इट हियर, वी विल सी देयर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, राइट। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव गिवन, वही केस है, वही प्रॉब्लम, ओके। सो आई एम नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। एग्जांपल, दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव गिवन एंड आई हैव टू राइट द टाई सेट, सो इन दिस वे, सॉरी, दिस प्रॉब्लम आई हैव गिवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे इन दिस वे, एंड ऑलवेज वी नो करंट, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट गिवन, बट वी नो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, सो ऐसा डायरेक्शन आएगा, 5, दिस इज 4,
current flows from higher to lower. So L4 is downward like this. 4. ये 1 है. C1 मतलब 1. Current ऐसा है. Current flows from higher to lower. So in this way. Like this. Okay? So I got it. So this is the oriented graph. Select twins. Twins select कर लिए कौन सा 1, 4, 5. 1. This is the twins. 1, 4, 5. Yes. सबके सब branch आ गई. Yes. But it is not forming a closed loop. Yes. Okay. So 1, 4, 5. Now chord तो आ गया. अभी क्या करना है आपको? क्या लिखना है? Tie set B matrix. Tie set B matrix क्या होता है? Reference किसको लेना है? 2, 3, 4. So 2 के साथ क्या बन रहा है? ये 1, 4, 2 लूप बन रहा है. So 1, 4, 2. So 2 को reference लेना है 2. So 1 is in the same direction. So 1 भी positive रहेगा, but 4 is opposite to 2. So it is minus B, 4 equal to 0. So 2 के लिए क्या आएगा? 1, 2, minus 4. Okay, 1. Okay, 2 के लिए क्या है? 2 के लिए 1, 2, 4. 1, something is wrong. Sorry. This is not correct, I think. 1, 2. Sorry. This is not 2. This is correct. Sorry. मैं रब कर देता हूँ. Something is wrong actually. So, 1, 2, 4. Something is wrong. 1, 2, 4. 1, 2, positive, 4, negative. 1, 2, positive, 4, negative. This is for 2. Okay? 3 के लिए क्या है? 3 के लिए this. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. All are same direction. So, positive. 3, 4, 5. All are positive. This is for 3. Okay? And for 6. This is for 6. ऐसा बनेगा. 1, 5, 6. 1, 5, 6. All are in the same direction. So, 1, 5, 6. 1, 5, 6. Correct. So, this is the answer. Okay? Next, example number 2. Drive up the incidence matrix and tie set B matrix. Okay. Consider the branch 1, 4, 5 forming a tree. 1, 4, 5. So, incidence matrix. Okay. First incidence matrix. I told you already incidence matrix is represented by AA. यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहां नंबर ऑफ नोड्स, हाउ मेनी नोड्स आर देयर? ए बी बी सी डी, ए बी सी डी. तो यहां आते नोड्स ए बी सी डी, यहां आती ब्रांच. हाउ मेनी ब्रांच भी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incidence matrix at node 1, how many branches are incidence? 1, 2 and 6. 1, 2 or 6. So 1 and 2 both are positive. So 1 positive, 2 positive, 6 negative. Why? Because 1 is going outside, 2 is going outside, but 6 is coming inside. So remaining will be 0. B, B, B kahan hai? B is this one. So how many branches are incidence? 2, 3 and 4. 2, 3, 4. So 2, 3, 4, remaining will be 0. Right? Abhi 2 is incoming, 3 is incoming. So 9, negative. 2 incoming, 3 incoming, 4 outgoing, so positive. C, C kahan hai ye? How many branches are incidence at C? 4, 5, 6. 4, 5, 6. Remaining will be 0. Okay? 4, 5, 6. 6 outgoing, positive. 5 is outgoing, positive. 4 is incoming negative. 4 is negative. 5, 6 positive. And D. D pe kaun si hai? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 5. At D. 1, 3, 5. Remaining 0. 1 is incoming, so negative. Outgoing positive. 5 is incoming negative. Okay. And whether it is correct or not, this matrix, this one. Incidence matrix कौन सा? 1, 1, 0, 0, 0, minus 1. Okay, this is AA.
0, 1, 0, minus 1, minus 1, 1, 0, 0. Third, C का 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, minus 1, 1, 1. Last, minus 1, 0, 1, 0, minus 1, 0. Whether it is correct or not, sum of all columns will be 0. This is 0, this is 0, this is 0, this is 0. This is 0, this is 0. So we can say this is correct. Clear? This is the incidence matrix. Rub kar dun. Now, dusra kya puch raha hai wo? Tie set B matrix. Tie set B matrix. टाई सेट बी मैट्रिक्स मतलब क्या लिखना है, केवीएल कॉर्ड, याद रखना केवीएल एंड कॉर्ड. सो ब्रांचेस क्या बना रही, टी कौन सी, 1 4 5 1 4 5, ये क्या है, ट्री है. ओके, सो कॉर्ड, ये 2 3 6 क्या है, कॉर्ड. सो 2 3 6 क्वार्ड है, याद रखना 2 3 6 क्वार्ड है. वी वन केवीएल लिख रहे हैं ना, वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स इक्वल टू व्हाट, 0. सो यहां देखो आप, क्वार्ड एक बार में एक क्वार्ड आना चाहिए, ये 2 1, ये 2 2 1, 2 के लिए 1 2 3 4 5 6, 2 एक आएगा पॉजिटिव, इसमें 3 में क्या आएगा, पॉजिटिव 3 रहेगा, और तीसरा कौन सा है, 6 6 पॉजिटिव रहेगा, याद रखना. नाउ क्लियर, दिस इज द कॉर्ड, इट इज क्लोज लूप बन रहा है, एक कॉर्ड आ रहा है, सो इसको रेफरेंस लेना है. सो 2 2 के लिए 2 पॉजिटिव, 4 सेम डायरेक्शन, 5 सेम डायरेक्शन, 2 4 5 और 1 अपोजिट डायरेक्शन -1, बाकी के 0. 3 3 के साथ कौन सा बन रहा है, एक क्वार्ड है ना 3, सो 3 के साथ कहां बन रहा है, 4 5 3 4 5, सेम डायरेक्शन है तीनों, सो 3 4 5, बाकी के 0. 6 6 के लिए क्या है, 6 कहां है, ये 6 के साथ कौन सा लूप बन रहा है, 1 5 6, सो 1 5 6. अब 6 का डायरेक्शन देखो, 6 और 1 सेम डायरेक्शन बट 5 अपोजिट है, तो 1 6 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, रिमेनिंग विल बी 0. दैट इज द इंसिडेंस, सॉरी टाई सेट बी मैट्रिक्स. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू ट्राई, ओके, the last question I want to discuss, question number 3. Okay, develop the tie set B matrix, consider 1 4 5 1 4 5 are forming tree. Ye already maine discuss kiya hua hai already in theory, so I don't want to discuss it again, it is already I had discussed. Okay, so develop the tie set B matrix. ओके, आई हैड डिस्कस दिस ऑलरेडी, शायद मैं चेक कर लेता हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग, यही था ना, यस आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दिस. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली, थैंक यू.